पता नहीं ये बच्चे कहाँ रह गए, इतनी देर से राह देख रही हूँ। क्या हुआ शर्मिला? कुछ नहीं सुमित्रा, वो बच्चों की राह देख रही हूँ, अभी तक तो आ जाने चाहिए थे ना। हाँ ना, पता नहीं कहाँ रह गए मेरी ब्रांडेड बेटी। एक तो वो ब्रांडेड है ना, उसके लिए मुझे कुछ ज्यादा ही चिंता होती है। घर देना है एक नंबर का। जब शर्मिला बहन, श्री आई है क्या आपकी? नहीं ना, अभी तक नहीं आई। आपका विकास आया? ना रे, कभी इतना लेट करता नहीं। पता नहीं आज क्या हो गया है, कब से उसकी राह देखे जा रहे हो। आज मैंने उसका स्पेशल ढोकला किया। मेरा भी आखिरी पेपर है ना, घर आके खाने के लिए मांगता है। भाई मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है बच्चों की, पता नहीं कहाँ पे होंगे। शर्मिला बहन, सुमित्रा बहन, आप दोनों चिंता मत करो, विकास होगा उनके साथ। उसी बात की तो चिंता है ना। अरे हाँ, उनके टीचर से बात करते, आज आखिरी पेपर था ना, शायद उनके टीचर ने उन्हें रोक लिया होगा। बात करती हूँ इधर। करो करो जल्दी करो। मुझे तो ऐसा लगता है ना, उनके टीचर ने। बोलना बंद कर, जल्दी फोन कर बहन, जल्दी करो ना, वो बहुत बहुत देर हो गया ना। हाँ हेलो मैडम, मैं श्रेया पड़वित की मम्मी बोल रही हूँ। बच्चे अभी भी स्कूल में है क्या, सॉरी कॉलेज में है क्या? हाँ पर हाँ नहीं, वो अभी तो घर नहीं आई, इसलिए मैंने पूछा ना, थोड़ा चिंता हो रहा था। हाँ 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 अच्छा अच्छा ठीक है। क्या बोल रहे मैम? वो टीचर बोल रही है पेपर कब का खत्म हो गया है, पर आज आखिरी पेपर था ना, तो बहुत सारे बच्चे पार्टी करने के लिए गए, तो टीचर ने कहा शायद हमारे बच्चे भी पार्टी करने गए होंगे। अरे हाँ, ये हो सकता है। आने दो अनुष्का को, आज अच्छे से खबर लूंगी मैं। वो बाप पे गई है अपने, बाप का भी ऐसा ही है, इतना कुछ हो गया उनको पार्टी शार्टी सूझती है, बेटी भी वैसे ही हो गए। चलो यह बात अच्छी है कि अभी इनकी नॉर्मल पार्टी शार्टी है, हमारे इनकी तो अलग ही पार्टी शार्टी होती है। मुंह आ गए इतना बाहर, फिर भी घुसना ही है उनको मुंह में। आने दो विश्रिया को, पट्टी शार्टी निकलती सारी उसकी। माने दो इस गधेड़े को, आज तो जम के धुलाई करूंगी इसकी, जैसे रोज होती है इसके बाप की। भाई 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 ससुमा, अब तो शाम हो गई है, मुझे बड़ा डर लग रहा है श्रेया के लिए, अभी तक वो घर नहीं आई, इतना देर नहीं लगता हो। अब तक तो आ जाने चाहिए थे, पर तो कोई चिंता मत कर, सब ठीक होगा। पिछले कुछ दिनों से जो भी सोसाइटी में हो रहा है उसको देख के तो और भी डर लग रहा है। क्या हुआ शर्मिला? अभी तक श्रेया घर नहीं आई, श्रेया के साथ विकास अनुष्का वो भी घर नहीं आए। क्या कही दीदी, भाग तो नहीं गई ना? लायक ओ, आप एक काम कीजिए, बाहर जाइए, कुछ पता चल जाएगा। बराबर कहा इसने, चूही का चूहा और बद्री का बद्र भी लेके जा घोड़े। वाह, आपने तो पूरा सर्कस बना दिया। हाँ मेरी गेंडी। ओ आइक लगा। सुशील भाई, राजेंद्र भाई। क्या हुआ प्रवीण ब्रो? क्या हुआ प्रवीण भाई? हमारे बच्चे अभी तक घर नहीं आए, मुझे ऐसा लगता है हमें बाहर जाके जरा चेक करना चाहिए, उनके दोस्तों के यहाँ पे या फिर उनके टीचरों के यहाँ पे। हाँ रे, बहुत देर हो गया, अभी तक तो विकास आ जाता है। यस, काफी देर हो गया, पता नहीं मेरी एंजल कहाँ हो गए। चलो चलो, अच्छे से देखना, सब जगह पे देखना। हम आते, कोई चिंता मत करो। पता नहीं कहाँ पे श्रेया। शर्मिला आप नहीं समझोगे माँ का दिल, बाप का तो पत्थर का होता है। और नहीं तो क्या, शांत बैठो, हम जा रहे हैं ढूंढने। सुसु, सुशो, सब जगह पे चेक करना अच्छे से। तो नहीं कहाँ चले गए, सिर मेरा फूट रहा है। जल्दी बताना, सब जगह पे देखना, वो कुणाल के घर भी देखना, उसके यहाँ पे होता है वो। कभी इतना लेट नहीं करते, आज पता नहीं क्यों लेट किया। वही तो, इतना देर कभी वो कहाँ पे नहीं रुकती, आज अचानक इतना देर लग रहा है, अभी 6 बजने को आए, शाम हो रही है, रात हो जाएगी। पता नहीं कहाँ चले गए हैं बच्चे। आपका छोड़ दीजिए, आपका क्या लड़का या हमारी लड़की है ना। तो क्या हुआ सुमित्रा बहन, भले ही आपकी लड़की है पर मेरा लड़का भी लड़की से कम नहीं। मेरा कहने का अर्थ है, मेरा लड़का भी मेरे लिए बहुत प्यारा है, लड़का हुआ था तो क्या। कंट्रोल बहन, कंट्रोल। हाँ मम्मी, आप जरा टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बुआ मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत प्रसाद, नथिंग विल हैपन। हाँ बेटा, नहीं ले रही मैं ज्यादा टेंशन। ये जो भी है, जो भी अपनी पूरी ताकत लगा रहा है हम सबको डराने की, पर सवाल ये है आखिर ये है कौन?
वही तो पता नहीं चल रहा ना, कौन कर रहा है ये सब। शौक मत होना, पर मुझे ऐसा लग रहा है जो भी सोसाइटी में हो रहा है उसके पीछे किसी सोसाइटी वाले का ही हाथ है। अब वो किसका हाथ है ये मुझे नहीं पता, पर ऐसा सिर्फ कोई सोसाइटी वाला ही कर सकता है। इतनी हिम्मत किसी में नहीं, वो सोसाइटी की रग रग से वाकिफ होगा इसलिए ऐसी हरकतें कर रहा है, इसलिए उसको सारे रास्ते पता है सोसाइटी के कहां से कहां जाना है। कहीं ये सब आंटी तो नहीं कर रहे हैं? शीला मामी ये देखो, इस समय हमें अपने रिश्तों को थोड़ा साइड में रखना चाहिए। जो भी सोसाइटी में हो जाए, सुई का काटा जो कहते हैं ना, शक की सुई का काटा सबके ऊपर जाएगा। चल वही आंटी, बहुत भोली भाली दिखती है, बहुत मीठी बनती है, शायद उनके ये भोले भाले चेहरे के पीछे कोई शैतान छुपा हो। उनके साथ साथ एक और है जो उनके साइड में रहती है, जोया। शीला अगेन मम्मी, मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, सुई का काटा सबके और जाएगा। जो इतनी शांत शांत रहती है, कहीं उस शांत चेहरे के पीछे कोई शैतान तो नहीं? नहीं नहीं, मेरा दिल ऐसा नहीं कहता, मेरा दिल कुछ और ही कहता है। वो दोनों का हाथ इसमें नहीं होगा, बहुत 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 मासूम है वो, ऐसा करना की सोच भी नहीं सकती। हाँ एक बार तूने चूही का नाम लिया होता, मैंने हाँ कर दी होती, चूही है वैसी, पर वो दोनों ना। आगे ओ क्या हुआ, क्या हुआ सोचो, क्या हुआ, बोलिए बोलिए, अरे बोलिए ना, बोलते क्यों नहीं, क्या हुआ बताइए ना कुछ, क्या हुआ श्रेया मिली, कुछ पता चला, कहाँ पे गए बच्चे? शर्मिला हमने बहुत ढूंढा, उनके दोस्तों को भी घर गए, पर श्रेया का कोई आता पता नहीं चला, ना ही अनुष्का का और ना ही विकास का। श्रेया के पापा क्या हाल है? शर्वरी जी वो हम सबके बच्चे कॉलेज के लिए गए थे, आज आखिरी पेपर था, पर अभी शाम होने को है, फिर भी बच्चे घर नहीं आए, इसलिए सब चिंता में है। उरी पापा क्या बात कर रहा, टेकड़े मिली क्या श्रेया? नहीं माँ कुछ पता नहीं चला। ये सारी गलती सशिबेन आपके बेटे की है। बाबू शर्मिला बेन क्या गलती है मेरे राजकुमार के? हमारी बच्चियों को गुमराह करके बोलने के गया शायद कोई चोर साया। ये बेन वो 17 साल का बच्चा है, ऐसी हरकतें क्यों करेगा वो? किसे पता, आजकल के बच्चे बहुत पहुंची हुई चीज है। हाँ तेरी बेटी तो सबसे ज्यादा, खबरदार जो मेरी बच्ची के बारे में ऐसा बोला था। आप लगी ना मिर्ची, दूसरों के बच्चों को कुछ भी कहो, खुद के बच्ची को बोलो तो मिर्ची लग जाती है मैडम को। राजेंद्र भाई शांत कीजिए भाभी जी को। क्या शांत करूं प्रवीण भाई, शुरुआत शर्मिला भाभी ने की है। ये देखिए भाई साहब, आप अपनी बीवी को समझाइए पहले, लड़ना शुरू करती है वो, मैं नहीं। देखिए सबको ही पता है विकास की हरकतें कैसे है। हरकतें की मेरे चौकरे ने, हा? क्या हरकतें की, साफ साफ बोल प्रवीण, तुझे जो बोलना है ऐसे छुप छुप के वार मत कर मेरे सामने। स्कूल से देखते आ रहे उसको, कैसी आवारा हरकतें करता है वो, अभी कॉलेज में भी आवारापंती करता है वो। कोई समझ ही नहीं है इनमें, पूरे फैमिली वैसी है इनकी। अरे समझने की जरूरत आपको है हमको नहीं, बढ़िया है। चल भाग कोदड़ी, कैसे बोलते हैं कैसे बोलने को आता है क्या? बस बस क्यों झगड़ रहे हो आप दोनों, गलती आप दोनों के बच्चों की है, और आप दोनों के बच्चों के साथ साथ मेरी बच्ची की कोई गलती नहीं है। उल्टा आप दोनों के बच्चों के साथ रह रहे के मेरी ब्रांडेड बेटी अनब्रांडेड जैसी हो गई, पूरी बिगड़ गई। अकु भाई सुमित्रा, मेरी बेटी को बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ श्रेया का है। बिगड़ तो मेरी बेटी गई है तुम्हारी अनुष्का के साथ रह रहे के। हाँ पता है सबको, पहले से पता है कौन कितना बिगड़ा हुआ था, तुम तो पहले से बिगड़ी हुई, तुम्हारी सास महा बिगड़े। तू पहले अपना बिगड़ा हुआ वो ठीक कर, एक दिन माउंट एवरेस्ट को पीछे छोड़ देगा वो। हमारे खानदान की उपर है, तू तेरा खानदान देख, चूही कही की। हमारी बहुरिया जो भी बोल रही है एकदम सच सच बोल रही है। सुगंधा हद में रह के बात कर, हद ले। हद में तो तू रह के बात कर, पूरी सोसाइटी में जब देखो तब दादागिरी करती रहती है, दादा रही है तू, समझी ना गवार। हाँ सबको पता है क्या हुआ था इंग्लिश के कॉम्पिटिशन में, उस टाइम तो तेरी बत्ती गुल हो गई थी।
बस बस, क्यों आप सब लोग आपस में ही लड़ रहे हो? ये लड़ने का समय नहीं है, बल्कि सलूशन निकालने का समय है। इनको देखो ना कैसे बोल रहे मेरी मोदी को। बराबर कहा जोया ने, क्यों खामखा लड़ रहे हो आप सब? एक मिनट, ये बच्चे जो गायब हुए हैं, कहीं उसके पीछे वही सफेद साड़ी वाली का तो हाथ नहीं? बत्ती झुक झुक हो रही है, ये क्या हो रहा है? सुषु लाइट को देखो ना। मां ले लाया दुक्का दुक्का, ये क्या हो रहा है? सच में डरना मत, डरना मत, तुझे डर नहीं लगता क्या? ए चुड़ैल, मैं शर्मिला पड़वी, तुम्हें खुला चैलेंज देती हूँ। शर्मिला क्या कर रहे हो? शर्मिला अगर टकराना है तो मेरे साथ टकराओ। ये शर्मिला अजीब आइटम है, बच्चों के साथ ऐसा खेल खेलने की जरूरत नहीं, समझी ना? ये बहू आ जाएगी मदद पे, कॉल दे ले इनको। आ बाहर आ, कहाँ पे छुपी है वहां से आ। आज तेरा सामना मुझसे होगा, मुझसे। अगर सच में तूने हमारे बच्चों के साथ कुछ किया है तो मुझे जवाब दे, दे मुझे जवाब, कहाँ पे छुपी है अब? अरे क्यों मांग रही है जवाब? वो कर देगी हमारा कबाब, मत करे सब। जवाब मांग रही है जवाब, अरे जवाब देने के लिए आ जाएगी वो मोमबत्ती लेके। क्या बात करे, मोमबत्ती लेके आती है? हाउ हाउ, हमारे पास जब आई थी तब मोमबत्ती लेके आई थी, ऐसे उल्टे उल्टे चल के, अरे मोमबत्ती लेके आ जाएगी वो, मत करो मत करो। अच्छा हुआ कुछ नहीं हुआ। डर गई होगी मुझसे? तू डराओ नहीं है, डरेगी तुझसे। तो इसके अंदर नहीं नहीं मैं नहीं छोड़े, हंस कर रही है वैसे मैं। क्या हो शर्वरी जी, क्या आ रहा है? एक एरोप्लेन, ना ना एरोप्लेन ना, हाँ इसमें कुछ लिखा है, चिट्ठी है शायद। चिट्ठी चिट्ठी, खुलिए खुलिए चिट्ठी खुलिए, हमेशा चिट्ठियों में बात करती है ये नालायक। लवर कहीं के बच्चे मेरे साथ है, डरने की बात है, आपके पास बची एक रात है, असली बात होगी कल रात है, आना सबके साथ है। हाँ कहाँ पे आना है, कहाँ पे आना है? वो नहीं लिखा यहाँ पे, कहाँ आना है? भाई भाई भाई, अब एक रात बच्चों के बिना कैसे निकलेंगे हम? पता नहीं इसके मन में क्या है, क्या करेगी ये? जो भी होगा खतरनाक होगा। भाई भाई भाई, मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है, आज रात क्या होगा, कैसे होगा? शर्मिला चिंता मत करो, हमारे बच्चों को कुछ नहीं हुआ होगा। आप तो बात ही मत कीजिए, सुबह ही जब अंचलती है आपकी, रात होते ही बत्ती गुल। ओए फूल चुप जरा, एक तो मुझे इतना टेंशन आया है, बच्चे कहाँ होंगे, किस हालत में होंगे, रात भर कैसे रुके होंगे, कुछ खाया भी होगा कि नहीं, ऊपर से आज रात का सीन बना दे। ऐसा कौन सा सीन बनाने वाली है वो चुड़ैल? पता नहीं, सबको एक साथ बुलाया है। जो भी होगा अच्छा ही होगा। आज तक कुछ अच्छा हुआ जो रात को अच्छा होएगा? एक नंबर की बदमाश चुड़ैल है वो, कुछ भी कर सकती है, क्या पता पूरी सोसाइटी को गायब कर दे। शर्मिला कंट्रोल करो, शर्मिला नहीं होता हूँ कंट्रोल, पूरा एक दिन हो गया ना श्रेया गायब है। Don't worry भाभी, everything will be fine. Wine? भैया, मैंने fine कहा, wine नहीं। पापा, भैया को देखिए, क्या सिचुएशन है, क्या बोल रहे हैं? उधर इनकी बेटी गायब हो गई, फिर भी इनको wine की पड़ी। मम्मी, look at भैया। ए शीला बस बस, ज्यादा मिर्च लगा के मत बता तू। कोई मिर्च नहीं लगा रही भैया, जो सच है वो सच है, सच हमेशा कड़वा होता है। जब देखो तब मिर्ची लगा के बात करती है, इतना मिर्ची मत लगाया कर, हमसे कम अपने बाप से तो डर। जब देखो तब मुंह में शराब होती है इसके। ओह, अपने पी रखी है सुबह सुबह, मुंह खोलिए मुंह खोलिए मुंह खोलिए, मैंने कहा अपने पिए ना, मुंह खोलिए। मूली के पराठा खाया था ना पापा? ऑनेस्टली बताओ, मैं जब जापान गई थी ना भैया, काफी अच्छे थे, काफी मच मच बेटर देन दिस। मैं जब से आई तब से देख रही हूँ भैया को, भैया के रंग ढंग सब बदल गया है, आंटी भी नहीं थी तब तक। ओ मुझे तो लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है भैया में, पहले भैया ऐसे नहीं थे, अब काफी बदल गए भैया। शुरू हो गए इनकी नौटंकी, पहले क्या थे अब क्या हो गए, सच में भैया क्या थे क्या?
चीला, तेरे बाल भी देख। क्या से क्या हो गए देखते देखते। भैया मेरे बालों के ऊपर कमेंट मत कीजिए, बहुत अच्छे बाल है मेरे, ऐसे बाल किसी के नहीं है पूरी सोसाइटी में, और ये काफी अच्छा है, इसे इंटरनेशनल हेयर स्टाइल है। भैया आप क्या चाहते हो इंटरनेशनल, कभी घूमे हो फ्लाइट में? मैं फ्लाइट में 2 बार बैठ के आई हूँ, बढ़िया है, जापान जाके सीख के आऊ मैं, सब रात स्टडी जापान में हुआ है। आपको जापानीज भी आती है? जापानीज आती है, कोरियन भी आती है मुझे, बढ़िया है, मुझे सिखाने। और रही बात मेरे हेयर की, मेरे हेयर काफी अच्छे है, स्मूथ एंड शॉर्ट। स्मूथ का तो हाथ मत लगाए भैया, हाथ मत लगाए आप। अरे स्मूथ का तो पता नहीं, पर शॉर्ट कुछ ज्यादा ही हो गए। हाँ आपके दिमाग जैसे शॉर्ट, शॉर्ट दिमाग के आदमी। चुप, एकदम चुप, तेरा बड़ा भाई हूँ मैं, तमीज से बात कर मुझसे। माँ ये मुझे कुछ इज्जत नहीं देती। भैया इज्जत देने के लिए इंसान के पास इज्जत होना भी चाहिए। आपको हालत पता है सबकी सोसाइटी को, टल्ली होके आते हो नशे की हालत में, धुन क्या दूं मैं आपको इज्जत। और सुशील भाई को देखिए, वो तो मुझसे भी ज्यादा पीता है। भले ही वो पीते हो पर उनका एटीट्यूड देखिए कितना अच्छा है, नहीं तो आप हमेशा ऐसे ऐसे ऐसे। तुझे क्या पता वो फालतू नहीं है, तूने देखा है उसको, बहुत बड़ा फालतू है वो। आलतू जलालतू आए बोला कटा दो। क्या कर रहे हो शर्मिला? डरिए मत, नए टोटके की तैयारी कर रही हो चुड़ैल के ऊपर इस्तेमाल करने के लिए। आलतू जलालतू आए बोला कटा दो। आज पूरे 1 दिन हो गए हैं हमारे अनुष्का को गायब हुए हुए, पता नहीं कहाँ पे होगी मेरी ब्रांडेड बेटी। सुमो अपने आप को संभालो, मुझे पता है हमारे लिए काफी हार्ड सिचुएशन है, पर हमको जज केस का सामना करना पड़ेगा बेबी। उस चुड़ैल की ऐसी की तैसी, उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे ब्रांडेड बेटी को हाथ लगाने की, मिलने तो मुझे देखती हूँ मैं। चुड़ैल ने कहा है ना वो आज कुछ करने वाली है। हाँ अभी तो बस रात का इंतजार है। आने दो रात, मैं दिखाती हूँ उस चुड़ैल को सूरत की गुजरात क्या चीज होती है। मेरे छोकरे मेरे बेटे को गायब किया, आने दे रात। ए शशि शांत हो जाओ ना, होने वाली रात जरा रुको, जैसी रात होती है पता चल जाएगा सबको सब कुछ। ये देखिए आप मुझसे कुछ बात मत कीजिए, मेरे आगे बात करने का कोई मूड नहीं है, मेरा छोकरा। देखो शशि जो होना था वो हो गया है, हम अब बदल नहीं सकते, हमें बस रात का इंतजार करना है, जरा सी शांत बैठो। अरे कैसे बैठूं मैं शांत, कैसे बैठूं मैं शांत, नहीं हो सकती मैं शांत। शशि तुम शांत बैठोगे कि नहीं? जाते बाकी बात बाकी होना है जो हो जाने दो।